बात है कि ये मुक्ति देता है, जबकि भागवत का अंतिम फल मुक्ति नहीं बताया। भागवत का अंतिम फल बताया ही कि भागवत भक्ति प्रदान करता है, लेकिन भागवत का अपना मुक्ति देने का एक अनोखा तरीका है। भागवत मुक्ति प्रदान ग्रंथ नहीं है, भागवत भक्ति प्रदान ग्रंथ है। और भक्ति प्रदान ग्रंथ होने के कारण भागवत मुक्ति नहीं देता, भागवत भगवान के चरणों की भक्ति देता है, और भक्ति के प्रसाद में जिसको मुक्ति प्राप्त होती है वो मरने के बाद वाली मुक्ति नहीं होती, वो तो जीते जी प्राप्त करने वाली मुक्ति होती है। जहां तक बात हमारे पितरों की मुक्ति की है, वो तो जब आप भागवत कराने का संकल्प करते हो, हमें अपने पिता के लिए भागवत करानी है, हमें अपने पितरों के लिए भागवत करानी है, इसका जिस दिन आप संकल्प करते हो वो संकल्प के साथ ही सबकी मुक्ति हो जाती है। जहां बात पितरों की मुक्ति की है वो भागवत के संकल्प से हो जाते हैं, ये सामर्थ्य है इसका। लेकिन जब हम लोग कथा सुनते हैं तो इससे भागवत हमको भक्ति देता है, और भक्ति जिसको प्राप्त होती है उसका फायदा ये है कि वो दुनिया की किसी भी वस्तु से प्रभावित ही नहीं होता। भक्तिवान व्यक्ति के पास होता सब कुछ है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता, और प्रभावित होने से ही तो बंधन होता है, और प्रभावित नहीं होते तो मुक्ति होती है। भगवान से प्रेम होना ये इतनी बड़ी सिद्धि है, इतनी बड़ी सिद्धि है, इतनी बड़ी सिद्धि है कि दुनिया के बड़े बड़े सिद्ध, कोई सिद्ध है जो पानी के ऊपर चलता है, कोई सिद्ध है जो आग के अंगारे के ऊपर भी चलता है, कई ऐसे सिद्ध हैं जो हवा में आसन लगा लेते हैं, कई ऐसे सिद्ध हैं जो कभी भी प्रकट हो जाते हैं, कभी भी अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन वो सारे सिद्ध भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं जिसके पास भागवत की दी हुई सिद्धि होती है। और वो सिद्धि है परमात्मा के प्रति हमारा अनुराग, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। हवा में उड़ना, हवा में स्थिर रहना पंछी से भी हो जाता है और एक सिद्ध भी रहता है तो कौन सी बड़ी बात है। पानी में ऊपर ऊपर तैरना मछली से भी होता है और एक साधु भी कर लेता है तो मछली से बड़ा काम तो किया नहीं, मछली से बड़ा तो काम किया नहीं कुछ। लेकिन परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाना बहुत बड़ी बात है। ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। और जिसका भगवान से प्रेम, दुनिया से प्रभावित नहीं होते उसी का ही तो प्रेम होगा ना भगवान से। जो दुनिया से चकित होता है उसका ईश्वर से कैसे प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम तो एक ही स्थान पर होता है ना, मन एक ही है, दो जगह पे प्रेम थोड़ी हो सकता है। भगवान से प्रेम हो जाना ये करोड़ों जन्मों के बाद भी शायद ही प्राप्त होने वाली सिद्धि है। और ईश्वर से जिनका प्रेम हो गया उसने जादूगरी वाला कोई काम नहीं किया कि हम आग पर चल के दिखाएंगे, हम पानी पर चल कर दिखाएंगे, हम हवा में आसन लगा कर दिखाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं। केवल उनके दर्शन मात्र से दुनिया की मनोकामना शांत हो जाती है, वो कोई चमत्कार नहीं दिखाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी सिद्धि यह है। इसको रस सिद्धि कहते हैं।
दुनिया के सारे सिद्ध नतमस्तक हैं रस सिद्धों के पास, जिनके पास भगवान के प्रति प्रेम वाली बात है। संसार से कड़वाहट हो जाना भी सिद्धि नहीं है। जब आपको कोई धोखा देगे तो संसार से कड़वाहट हो जाएगा ना, संसार ने धोखा दिया तो कड़वाहट हो जाएगी। कोई कहेगा मित्रों ने धोखा दिया, कोई कहेंगे कि कोई काम बिजनेस में पार्टनर ने धोखा दिया, कोई कहेगा कि पति ने धोखा दिया, कोई कहता है कि पत्नी ने धोखा दे दिया, कोई कहता है अब सगे भाई ने धोखा दे दिया। जब संसार में कोई घटना घटती है इससे संसार कड़वा लगता है। संसार कड़वा लगे ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार कड़वा लगता है संसार तो। अरे कोई धोखा दे ना दे, 103 डिग्री बुखार हो जाए तो खीर भी कड़वी लगती है। जिसको बुखार आया वो कहेंगे खीर कड़वी है, दाल कड़वी है, रोटी कड़वी है, चावल कड़वे हैं, सब्जियां कड़वी है, हर चीज कड़वी है। तो क्या उनको संत कहेंगे, क्या उनको सिद्ध कहेंगे कि जो चीज हमें टेस्टफुल लगती है इसको कड़वा लगता है, ये तो सिद्ध हो गए, ये भी तो कोई सिद्धि नहीं है। संसार कड़वा लगे ये भी सिद्धि नहीं है, संसार की विस्मृति हो जाए ये भी कोई बड़ी सिद्धि नहीं है। संसार को आप भूल सको, घर को भूल गए, बच्चों को भूल गए, विस्मृति हो गई आपको, ये भी कोई बड़ी सिद्धि नहीं है। वो तो नींद में भी हो जाते हैं। संसार की विस्मृति तो रोज रोज होती है ना, बिना दुनिया को भूले आप नींद कैसे करोगे? जब नींद आ जाती है तब आपको क्या पता कहाँ सोए हैं आप, इंदौर में हैं कि अहमदाबाद में, कुछ भी तो नहीं पता। नींद में आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चे कितने हैं, आप स्त्री है कि पुरुष है, आप आपका क्या स्थान है, क्या प्रतिष्ठा है, क्या पद है, कुछ नहीं पता होता नींद में। तो अपनी पद प्रतिष्ठा परिवार पैसा इसकी विस्मृति हो जाना भी ये जीवन की सफलता नहीं है। ईश्वर से प्रेम हो जाना ही सबसे बड़ी बात। संसार कड़वा लगे इससे कोई फायदा नहीं, भगवान मीठा लगे इसी से फायदा है। भजन मीठा लगे यही सफलता है। इतने शहर में आपको 70% लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मुझे संसार कड़वा लगता है। जो 50-60 पार हो गए उसको पूछो संसार कैसा लगता है, कुछ नहीं, बस आए हैं तो जीना पड़ता, मरने का साहस नहीं है इसलिए लोग जी रहे हैं। संसार मीठा नहीं लग रहा, मरने का साहस नहीं है, मरने की हिम्मत नहीं है तो जी रहे। लेकिन संसार में उसको मजा आता है इसीलिए जी रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं, आनंद आ रहा है इसलिए हम जी रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं। शहर में आपको ऐसे 10% भी नहीं मिलेंगे लोग, आनंद आ रहा है जीवन का इसलिए हम जी रहे हैं, जी रहे हैं बस इसीलिए जी रहे हैं कि मरने की हिम्मत नहीं है। पता ही नहीं है कि मर के फिर इससे बड़ा दुख हो जाए, क्या पता, उस दुनिया से परिचय नहीं है इसलिए हम जी रहे हैं। मृत्यु के बाद क्या होगा ज्ञात नहीं है इसलिए हम जी रहे। तो संसार अच्छा नहीं लगता या संसार में रुचि नहीं है या संसार कड़वा लगता है, ऐसे करोड़ों लोग दुनिया में हैं, लेकिन वो कोई न तो संत है न तो सिद्ध है, क्योंकि संत उसको नहीं कहेंगे जिसको संसार कड़वा लगता है, संत उसको कहते हैं जिसको भजन मीठा लगता है।
संसार कड़वा लगता है, वो भी भजन तो नहीं कर रहे, क्योंकि भजन मीठा नहीं लग रहा। और ये प्रमाण है कि भक्ति का अभाव है, प्रभु प्रेम का अभाव है, दुनिया की एक भी चीज उसको प्रभावित नहीं करती जिसका भगवान से प्रेम हो गया है। फिर त्याग भले ही ना करें, जरूरी नहीं कि हर कोई घर छोड़ दे, त्याग भले ही ना करें, लेकिन भक्त इसको कहते हैं कि दुनिया की एक भी वस्तु उसको प्रभावित नहीं कर सकती, और दूसरा दुनिया की एक भी व्यक्ति से जिसके भीतर नफरत नहीं होती, एक भी व्यक्ति के प्रति नफरत ना हो और एक भी वस्तु के प्रति हम प्रभावित, भक्तिवान होने का यह लक्षण है। और मुक्ति का नित्य निवास कहाँ है? यदि सुखदेव जी से कोई पूछे कि पूरी दुनिया तो मुक्ति के लिए प्रयास करती है कि मुझे मोक्ष हो जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, आपको मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति भाई कौन सी कॉलोनी में रहती है? मुक्ति भाई जिस कॉलोनी में रहती है उस कॉलोनी का नाम ही भक्ति नगर है। वो भक्ति नगर है, भक्ति नगर नाम का है वो क्षेत्र है जहां पर मुक्ति बाई का नित्य निवास है। परेशानी ये है कि हम लोगों को भक्ति के बिना मुक्ति चाहिए। जिसको भक्ति के बिना मुक्ति चाहिए, मरते दम तक भक्ति नहीं है तो दुनिया से के प्रभाव से मुक्त ही नहीं है। जब प्रभाव से मुक्ति नहीं है तो फिर मुक्त कैसे हो सकता है? भक्ति के बिना भगवान भी आपको सुंदर नहीं लगेगा, और एक बार भक्तिवान बन गए तो पूरा संसार ही भगवान रूप हो जाएगा। ये बड़ी बात है। यही बताया तुलसीदास जी ने, सीय राम मैं सब जग जाने, सीय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी छुग पानी, करहु करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सियाराम मैं सब जग जान, सब जग जाने, सब जग जाने, सब जग जाने, सीय राम मई सब जग जाने। जगत ही भगवत रूप हो गया जब हृदय भक्ति युक्त हुआ, और उसके अभाव में भगवान भी न तो अपना लगेगा न तो सुंदर लगेगा। जिसको भगवान अपना न लगे वो कभी भजन नहीं कर सकता। एक ही उपाय है ईश्वर भजन का,
फिर आप लोग कहते रहते मन भटक जाता है, मन स्थिर कैसे हो, मन लगता नहीं। ये सारी शिकायत अर्जुन ने भगवान से की, प्रभु मन चंचल है, मन लगता नहीं। भगवान ने डांटा कि मन जैसा है तुम्हारा है, बदनाम मत करो इसको। तो ऐसी बात है, आपको मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, मेरा परिवार मेरी सुनता नहीं है, कोई मेरी बात मानता नहीं है, मतलब तो जैसा है आपका है, आप बदनाम करे उसको, वो तो ज्यादा ही मचल जाए। भगवान ने कहा अर्जुन बदनाम मत करो मन को, जैसा भी है मन तुम्हारा है। और जब भगवान ने अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाया, भगवान जब ये बोले कि अर्जुन ये जो ज्ञान है वो मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, अर्जुन को आश्चर्य हुआ, आपकी उम्र तो थोड़ी कुछ ही सालों की और सूर्य तो आपके बाप दादा के पहले भी था, मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया था, अब तो छोटे से प्रभु। भगवान ने बोला मैं छोटा सा नहीं हूं, मैं बड़ा हूं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु दिखाओ आप कितने बड़े, दिखाओ। भगवत गीता में भगवान ने इतना विराट रूप धारण किया, अनगिनत हाथ, अनगिनत चरण, अनगिनत चेहरे। जब भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए तो अर्जुन ने आनंद नहीं लिया। देखिए तुलसीदास ही आनंद ले रहे हैं, सब जग जाने सिय राम मई, सब जग जाने, आनंद ले रहे हैं, कण कण में प्रभु है, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पहले परमात्मा है, आनंद ले रहे तुलसीदास से। लेकिन जब अर्जुन के सामने भगवान विराट बने और भगवान ने पूछा कि अर्जुन मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा दिखता हूं, अब व्यवहारिक रूप से भी आपको कोई पूछे नहीं ये कपड़े पहनकर कि कैसे लग रहे, तो आप व्यवहारिक रूप से यही कहोगे बहुत अच्छे लग रहे, क्योंकि उसने वही बनाया जो उसको पसंद है और वो वही सुनना चाहते हैं, वो वही सुनना चाहते हैं और जो सुनना चाहते हैं वही आपको बोलना पड़ेगा व्यवहार में, बहुत बहुत जच रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, अब बहुत अच्छे लग रहे। अर्जुन ने इतना व्यवहार भी नहीं निभाया, भगवान ने विराट रूप में प्रकट होकर के अर्जुन को पूछा अर्जुन मैं कैसा दिख रहा हूं, अर्जुन बोले बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे प्रभु, आप किसी भी एंगल से सुंदर नहीं लग रहे, नहीं ऊपर से, नहीं नीचे से, नहीं साइड से, नहीं दाएं से, नहीं बाएं से, नहीं आगे से, नहीं कहीं से भी आप अच्छे नहीं लग रहे। तो तुम बताओ मैं कैसा लग रहा हूं, अर्जुन बोले खतरनाक, आप खतरनाक लग रहे प्रभु, आप भयंकर लग रहे हैं, ना आपका चेहरा सुंदर, ना आपके हाथ सुंदर, ना आपके चरण सुंदर, ना आपके बाल सुंदर, ना आपकी आवाज सुंदर, आपका कुछ भी सुंदर नहीं प्रभु, आप भयंकर है, दसों दिशा से खतरनाक है। लेकिन उसी परमात्मा के विषय में, उसी परमात्मा के विषय में सुखदेव जी महाराज से पूछा जाए, तुलसीदास जी से पूछा जाए, मीरा से पूछा जाए कि कैसा लग रहा है, तो वो क्या कहते हैं, अधरम मधुरम फदनम मधुरम, आपका सब कुछ मधुर है, भगवान नहीं बदला दृष्टि बदली, भगवान नहीं बदला देखने वाले की भूमिका बदली, भक्त
से अगर पूछा जाए उसी परमात्मा के लिए कैसे दिख रहे हैं भगवान, तो भक्त कहेगा अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसीतम मधुरम। आपका सब कुछ मधुर है, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हसीतम मधुरम, आपका हंसना मधुर है प्रभु, चलितम मधुरम आपका चलना भी सुंदर है, आपका हंसना भी सुंदर है, आपका बोलना मधुर है, गमनम मधुरम आपका जाना, आप कहीं जा रहे पीछे से भी आप सुंदर लग रहे हैं, आप आ रहे हैं तो आपका आना भी सुंदर लग रहा है। करणम मधुरम तरणम मधुरम, आपके कर मधुर है, आपके हाथ मधुर है, आपके चरण मधुर है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, आपका सब कुछ मधुर है, सब कुछ मधुर है। गोपियों से पूछा जाए कृष्ण का क्या सुंदर लगता है, तो वो तो यही कहेंगे कि सब कुछ, सब कुछ। लेकिन अर्जुन को पूछा भगवत गीता में कि अर्जुन मैं कैसा दिख रहा हूं, बोले खतरनाक भयंकर, न तो कहीं से आप सौम्य हैं, न तो कहीं से आप सुंदर हैं, कहीं से आप अच्छे निकले। इसका कारण यह था कि वहां भक्ति के पहले भगवत दर्शन की प्राप्ति हुए थे। ये पूरा विश्व भी भगवान का एक स्वरूप है, जो भक्तिवान है उसको ये जगत ही मंदिर जैसा लगता है, कहीं पर भी विरोध नहीं होगा, कहीं पर भी विवाद नहीं होगा, किसी से भी राग नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा। आप उसके जीवन के 10 वर्ष देख लो, एक भी राग द्वेष नहीं मिलेगा। 20 साल देख लो, एक घटना आपको राग द्वेष की नहीं मिलेगी। उसके जिंदगी को आप जितने सालों से पहचानते हो उतने वर्ष को आप पता लगा लो, आपको एक घटना ऐसी नहीं दिखेगी कि उसने कभी किसी से नफरत की हो, किसी से द्वेष किया हो, किसी से राग किया हो, किसी के पीछे पागल हो, वो भी नहीं बनेगा, वो भी नहीं होगा। क्योंकि जगत को देखने वाले के हृदय में जब प्रभु प्रेम आ गया, वो न तो दुनिया के लिए पागल होता है और न तो दुनिया के प्रति उनका कभी द्वेष बनता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट एन के नचित अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नर। जो भक्तिवान होता है वो ऐसा होता है, इसका लक्षण है ये। जो भक्तिमान होगा वो किसी के लिए पागल नहीं होगा, जो भक्तिवान होगा उसका वो किसी को देखकर प्रभावित भी नहीं होगा, लेकिन जो भक्तिवान होगा उसके हृदय में किसी के भी लिए द्वेष नहीं होगा, किसी के भी प्रति नफरत नहीं होगा। ये भक्तिवान चित्त का प्रमाण है। लेकिन इस प्रकार की भक्ति आ गई ना, तब तो देखो, तब जीने में भी आनंद है और जाने में भी आनंद। भक्तिवान नहीं हो तो न तो जीने का आनंद है न तो मरने का साहस है। भक्तिवान बन गए तो जीने का भी आनंद है और दुनिया से जाने का एक अपना अलग आनंद है, अलग ही आनंद है जाने का भी। कोई वस्तु मिल गई तो उसको मिलने का सुख है, और जो चीज ना मिली तो उसके ना मिलने का भी अपना सुख है, अपना आनंद है। भक्तिवान की विचारधारा कैसी होती है, देखो कि जो चीज उनको चाहिए
लेकिन जो सुख प्राप्त नहीं हुआ तो वो कभी ये नहीं सोचेगा मेरे भाग्य में सुख नहीं था, वो यही सोचते हैं कि उस सुख के भाग्य में हम नहीं थे, उसके भाग्य में हम नहीं थे। एक दिन तो प्रयोग करके देखो, अगर एक दिन के भी प्रयोग में आपको बेहद आनंद आएगा, बेहद आनंद आएगा, तो आप पूरा जीवन ढाल दोगे उस दिशा में कि जो वस्तु ना मिली, प्रयास करने पर ना मिले, तो ये न समझो कि मेरे भाग्य में ये सुख नहीं है, बल्कि ये सोचो कि उसके भाग्य में हम नहीं है। उस वस्तु के भाग्य में हम नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है। ऐसा कर करके हम अपने भाग्य को कलंकित क्यों करें, अपने भाग्य को बदनाम क्यों करें, अपने भाग्य को हम क्यों कोसते रहे, जैसा है हमारा है, हम क्यों क्यों उसको खराब करते रहे। जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुंदर भवन मिल जाए, मुझे सुंदर घर मिल जाए, लेकिन नहीं बना, वहां जो चाहता है वह नहीं मिला, तो समझ ले कि उस भवन के भाग्य में हम नहीं है। ये भक्तिवान लोगों की पूरी विचारधारा अलग होती है, और यही तो कारण है कि हर घटना उसको मस्त रखती है। हर घटना कोई भी घटे, आनंद कम नहीं होता, परिस्थिति बदलती रहे, आनंद कम नहीं होता, क्योंकि दुनिया में आनंद के अलावा कोई चीज नहीं भरी है भगवान है। संसार में आकर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे आनंद नहीं आता दुनिया में, तो इसका कारण यही है कि उसको ढूंढना नहीं आता, उसको इसी दुनिया से आनंद को प्राप्त कर लेना नहीं, इसी वस्तु को। कबीर जी ने कहा, पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवे हासी, ओ मोहे पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवे हासी, ओ मोहे सुन सुन आवे पानी में मीन पानी में मीन प्यासी रे, मुहे सुन सुन आवे हासी, ओ मुहे सुन सुन आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान कोई मथुरा कोई काशी रे, मोहे सुन सुन आवे हासी, ओ मोहे सुन सुन आवे हासी। जैसे मृग नाभि में कस्तूरी, जैसे
जैसे मृग नाभि में कस्तूरी, जैसे मृग नाभि में कस्तूरी, जैसे मृग बन बन फिरत उदासी रे, ओ बन बन फिरत उदासी रे, मोहे सुन सुन आवे हो रहा। कबीर साहब कहते हैं कि मुहे सुन सुन आवे हांसी। समुद्र में मछली कहती है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा, तो पानी के अलावा कुछ है ही नहीं वहां तो। और सुख के समंदर में कोई कहता है कि मैं दुखी हूं, तो बड़े आश्चर्य की बात है। जो कहता है कि मैं दुखी हूं, तो कबीर जी कहते हैं कि हम तो बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं दुख को, सालों से हम घूम घूम कर गांव गांव में शहर शहर में हम यही पता लगा रहे हैं कि दुख कौन सी बला का नाम है, कहीं हाथ नहीं लग रहा, कहीं मिल ही नहीं, मुलाकात ही नहीं हो रही कभी, दुख की कहीं मुलाकात नहीं हो रही और सुख कम नहीं होता। जब लोग कहते हैं कि हमें सुख नहीं मिल रहा, हम दुखी हैं, तो पानी में मैंने प्यासी। क्योंकि दुनिया में सुख के अलावा कुछ है ही नहीं। यदि मछली को आता ही नहीं पानी पीना, तो हो सकता है कि वो पानी में रहकर भी प्यासी है। क्योंकि व्यक्ति की परिस्थितियों के साथ जुड़ी हुई वस्तु नहीं है सुख दुख। अमीरी होना गरीबी होना, परिवार होना परिवार न होना, घर बड़ा होना घर छोटा होना, समाज में मान अधिक होना मान कम होना, इसके साथ जुड़ी हुई वस्तु नहीं है सुख दुख। सुख दुख जुड़े हैं व्यक्ति की अपनी विचारधारा के साथ। पूरा प्रयास करने पर भी जो वस्तु हाथ न लगे, तो फिर किसी के प्रति नफरत नहीं, इसने नहीं होने दिया, उसने नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं, हमारे सारे प्रयास पूर्ण हो गए, उसके बाद भी बात न बनी, तो उसके भाग्य में हम नहीं है। ये नहीं कि हमारे भाग्य में ये नहीं है, उसके भाग्य में हम नहीं है। ये विचारधारा ही व्यक्ति को अखंड सुख देते हैं। जैसे जैसे भाग्य को बदनाम करते जाओगे, भाग्य और ज्यादा कमजोर होगा। मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं, जैसे जैसे उसको खराब करते जाओ, खुद ही खराब करें। शांत बच्चों को भी आप दिन में 10 बार कहो कि बड़ा शरारती है, बहुत शरारती है, बहुत शरारती है, फिर जैसी इमेज आपने उसकी बनाई वैसा हो गया, फिर हो जाएगा वैसा। भाग्य इस प्रकार कई बार हमारा कमजोर हो जाता है।